Hello viewers, I am Poonam Sinha. Good evening. Hope you are doing well. Today we are discussing about the Chat GPT. What is Chat GPT? इसके बारे में हम लोग जानेंगे. Chat GPT stand for Chat Generative Pre-trained Transformer. It was developed by OpenAI, which is an artificial intelligence. ये क्या है? एक artificial intelligence है. और इसे किसने develop किया है? ये OpenAI. इसने डेवलप किया है. इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट टेक्नोलॉजी. इससे यू कैन आस्क चैट जीपीटी एनीथिंग एंड इट विल रिस्पॉन्स इन नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज. इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये आपको एक सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में आंसर कर सकता है. तो ये लाइक ए रोबोट, ठीक है. उसका हम लोग थोड़ा सा कुछ कौन से जानते हैं कि चैट जीपीटी के क्या कौन से सेटिंग में पहले कौन से जाने उसका कौन से जानते हैं. तो चैट जीपीटी डज नॉट हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड वन मस्ट वैलिडेट द रिस्पांस प्रोवाइड बाय चैट जीपीटी. कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं. अगर कोई आंसर कर रहा है तो उसका हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये सही है और नहीं है. एक और भी कुछ क्वेश्चन हमारे मन में उठ सकता है, सवाल उठ सकता है, जैसे Will it replace human in workplace? क्या ये human को workplace से replace कर सकता है? Simply answer है इसका कि मन में इस तरह का तो दुविधा उठेगा कि जब सारे काम ये इसको बोलने पे हो जा रहा है तो क्या human को replace कर सकता है? तो इसका हम लोग answer find out करते हैं कि in place where we have monotonous work, where we don't need to apply any logic, जहाँ हमें कोई monotonous work है, जहाँ कोई logic apply नहीं करना है, वहाँ यह हो जाएगा इसका answer. कि वहाँ क्या कर सकता है? ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है. विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग सेट ऑफ रूल्स, जहाँ केवल एक रूल्स बताया गया है उस पर परफॉर्म करना है तो यहाँ क्या करेगा? ह्यूमन को ये रिप्लेस कर सकता है. दैट कैन बी परफॉर्म बाय चैट जीपीटी. बट वेयर वन नीड्स लॉजिक द वर्क विल बी परफॉर्म बाय ह्यूमन. लेकिन जहाँ लॉजिक का प्रयोग करना है, तर्क का प्रयोग करना है, यहाँ कौन ये करेगा? यहाँ इंसान ही कर सकता है. आई होप चैट जीपीटी क्या है ये आपको समझ में आ चुका होगा. अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच.